हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्नेट ट्यूटरिंग। वेल, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है, जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर मैंने पढ़ा दिया था आप लोगों को, मोटर का वर्क भी बता दिया था। हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर। एक करंट कैरिंग वायर के अंदर फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन दे दिया था, और वो जो करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगता है उसी प्रिंसिपल को काम में लेके मोटर की वर्किंग किस तरीके से होती है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ एंड वर्किंग ऑफ जनरेटर। चलो देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बच्चों, डेफिनेशन तो आपको क्लास की आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएगी, लेंज लॉ की डेफिनेशन भी और जो स्टेटमेंट है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मेरा काम फिलहाल यहां पे ये कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है क्या आपको समझा दिया जाए, और लेंज लॉ क्या है वो समझा दूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इंडक्शन ऑफ करंट। अच्छा, इंडक्शन ऑफ करंट होगा कब? व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कंडक्टर एंड मैग्नेट। बिटवीन अ कंडक्टर एंड मैग्नेट। कहने का मतलब हुआ, देखते हैं क्या मतलब हुआ कहने का। जैसे कि ये मान लेता हूं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल है साउथ पोल, ठीक है। मैं इस वायर को, एक वायर है वो इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, ये नहीं चल रहा है इसको हटा दो, ये चल रहा होगा इसको ले लो। ये मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर है, मीटर है, ठीक है ना। ठीक है, एक कनेक्टिंग वायर है, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। अब क्या होगा, मैं इसको ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव कराता हूं। मैं अपवर्ड मूव कराऊंगा तो कहानी क्या होगी, देखो बच्चों समझो। मैं एक कंसेप्ट आपको बता देता हूं, कंसेप्ट ट्वेल्थ क्लास का है, उसको यूज करो, उसको समझ लो, ठीक है। यूज तो ट्वेल्थ क्लास में करना पड़ेगा, टेंथ क्लास में आप उसको कर नहीं सकते। देखो, एक चीज होती है फ्लक्स, एक चीज होती है फ्लक्स। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर जो होता है इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। आपके लिए सहूलियत रहेगी इसको सिर्फ इतना समझ लो, फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया होता है, मल्टीप्लाई बाय एरिया होता है, ठीक है। जब फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होता है, मतलब कि मैं कुछ इस तरीके की रिलेटिव मूवमेंट कर दूं, या तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आ जाए, से कहने का मेरा मतलब है कि भाई ये एक एरिया था, इससे पहले दो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी, अब मैंने दो की जगह बढ़ा के क्या कर दिया, तीन फील्ड निकाल दी। तो सर या तो ये हो जाए,
कि भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, या फिर दूसरा केस क्या हो जाए कि सर तीन मैग्नेटिक फील्ड थी यहां से निकल रही थी, मैंने क्या किया ना सर इसका एरिया छोटा कर दिया, तो अब दो ही निकल पा रही, यहां मैंने एरिया डिक्रीज कर दिया, यहां एरिया सेम है मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दिया। तो कुछ इस तरीके का रिलेटिव मोशन हो कि या तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आए, या मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया से निकल रही है उसके अंदर चेंज आए, अगर दोनों में ऐसा चेंज होगा तो इसके अंदर चेंज आएगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, जब भी इसके अंदर चेंज होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, मुझे कहना चाहिए था यहां पे ईएमएफ, पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा हूं यहां पे, क्योंकि आप लोगों को टेंथ में इसी बात से समझ में आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जो करंट प्रोड्यूस करता है। आई होप मेरी यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस इस तरीके से होता है, अभी फिलहाल हम ये मान लेते हैं कि भाई करंट इंड्यूस होता है, कोई डायरेक्शन रही होगी, करंट इंड्यूस हो रहा है, कोई डायरेक्शन रही होगी, डायरेक्शन क्या है वो हम लेंज लॉ के अंदर देखेंगे, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये करंट की डायरेक्शन, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है, अगर इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा, यही नॉर्थ पोल बना देता हूं, ये साउथ पोल बना देता हूं, और इसी को ये गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मैं मान लेता हूं कि इस जगह हुआ, ठीक है, यहां मैं मान लेता हूं गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इस जगह होगा, कैसे, अब मैं इसको नीचे की तरफ ले जाऊंगा डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है, पहले करंट की डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन थी, अब करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अच्छा सर करंट की डायरेक्शन तो आपने बता दी, पर वो डायरेक्शन आएगी किस हिसाब से, वो आएगी लेंज लॉ के हिसाब से, वो आएगी लेंज लॉ के हिसाब से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है जब भी रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन मतलब आपस में इनको लगना चाहिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, मैग्नेटिक फील्ड का कंडक्टर के रेस्पेक्ट में, मेरे आपसे मतलब नहीं है, दोनों का आपस में रिलेटिव मोशन होना चाहिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, करंट इंड्यूस होगा। आप फ्लक्स हटा दो, पोटेंशियल डिफरेंस हटा दो, फ्लक्स हटा दो, पोटेंशियल डिफरेंस हटा दो, आप सिर्फ इतना समझोगे जब भी रिलेटिव मोशन होगा किसी कंडक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब इंड्यूस होने के बाद डायरेक्शन अब देखेंगे, डायरेक्शन देखते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि भैया ये गैल्वेनोमीटर है, मैंने इसको अपवर्ड मूव करवाया, अपवर्ड मूव करवाया, ठीक है। करंट की डायरेक्शन देखते हैं कैसे देखते हैं, करंट की डायरेक्शन हम देखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल क्या कहता है, सीधा हाथ है, सीधा हाथ है, आप क्या करोगे, फोर फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर क्या बताएगी, मिडिल फिंगर बताएगी करंट की डायरेक्शन, और थंब बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर, ऑफ
समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। चलो देखते हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ये तीनों परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे के, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो ये डायरेक्शन तो क्या है, ये डायरेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं थंब को, मोशन वायर को, तो ये थंब जो है उसका मोशन बता रहा है, और ये जो मिडिल फिंगर है करंट की डायरेक्शन बता रही है, जो कि अंदर की साइड जा रहा है, इस साइड, ये करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, ठीक है। दोबारा से बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन में इसे मान देता हूं। देखो उससे कोई खास फर्क पड़नी था, हमको करंट की डायरेक्शन बतानी थी, हमने बता दी। अब ये जा रहा है डाउनवर्ड, अब ये जा रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नीचे की तरफ जा रहा है करंट की डायरेक्शन, ये बताएगा, देख रहा है करंट की डायरेक्शन, ये मिडिल फिंगर बताएगी, ये हो गई करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये जो करंट की डायरेक्शन है, ये जो करंट की डायरेक्शन है, ये लेंज लॉ की वजह से कैसे है। लेंज लॉ ये कहता है, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है, जब भी रिलेटिव मोशन होगा किसी कंडक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो करंट इंड्यूस हो जाएगा। नेचर ऑफ करंट क्या होगा वो लेंज लॉ बताता है। नेचर ऑफ करंट वो होगा कि वो अपने कॉज को अपोज करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेंज लॉ क्या होता है, लेंज लॉ होता है जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसका नेचर होता है वो अपने कॉज को अपोज करेगा। कैसे सर, ये करंट इंड्यूस हो रहा है, आप कहां लेके जा रहे थे, अपवर्ड, आप कहां लेके जा रहे थे, अपवर्ड। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास के अंदर एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला था ILB बताया था, ठीक है। आप कहां लेके जा रहे हो सर, इसको अपवर्ड लेके जा रहे हो, अपवर्ड लेके जा रहे हो। करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो अपने कॉज को अपोज कर देगा। कैसे, करंट की डायरेक्शन में गए IL, मैग्नेटिक फील्ड के पास गए नॉर्थ टू साउथ, अंगूठा खुला अंदर की तरफ, देखो अंगूठा खुला अंदर की तरफ, फोर्स लगने लग गई अंदर की तरफ। जितनी फोर्स आप ऊपर की तरफ लगा रहे थे उसी के कंपैरेटिव फोर्स अंदर की तरफ लगने लगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से देखें इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ये करंट इंड्यूस की डायरेक्शन थी, करंट इंड्यूस नहीं सॉरी करंट फ्लो की डायरेक्शन थी, और ये क्या बता रहा है अंगूठा, मूवमेंट। मोटर के अंदर क्या था, वायर के अंदर करंट जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, करंट जा रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा था अंगूठा, मतलब कॉइल के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड ये इंड्यूस करंट और फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है, इससे लगा, और ये लगा है लेंज लॉ की वजह से, बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। बाकी बच्चों स्टेटमेंट तो क्या आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल ही जाएगा, मतलब वो कोई बड़ी चीज नहीं, मेरा काम तो समझाना, मैंने समझा दिया आपको। अब लेंज लॉ के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जनरेटर की वर्किंग देखते हैं और चैप्टर खत्म करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, मेरे पास ये एक रिंग है, ठीक है, ये एक रिंग है और ये एक मैग्नेट है। पहले सर आपने क्या किया था,
मैग्नेट को फिक्स रखा था, कंडक्टर को अप डाउन कराया था, मैग्नेट को फिक्स रखा था, कंडक्टर को अप डाउन कराया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, रिंग जो है कंडक्टर है उसको फिक्स रख रहा हूं, मैग्नेट को मूव करवा रहा हूं। मैं मान लेता हूं ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये नीचे की तरफ आएगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी? ये नीचे की तरफ आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, कैसे देखो ये रिंग है, ठीक है ना, ये एक रिंग है और ये आठ मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऊपर है, तो ये इस तरीके से निकल रही है, दो ही अंदर जा रही है, और पास आएंगे तो तीन निकलेगी, और पास आएंगे तो चार निकल जाएगी, पूरी की पूरी चारों निकल जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। लेंज लॉ का काम क्या है? लेंज लॉ का काम है अपने कॉस को अपोज करना। कॉस को कैसे अपोज करेगा? ये डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। कैसे? कि अगर सर करंट इसमें फ्लो करेगा तो मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कर्ल करेंगे, सॉरी करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे, फिंगर्स को कर्ल करेंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। तो ये करंट रखा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर गया, अपोज करने लग गया। अब अगर ये ही यहां आ जाता है, ये साउथ है, ये नॉर्थ, ठीक है, अब ये दूर जा रहा है, अब ये दूर जा रहा है और किस तरीके से दूर जा रहा है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। आया था मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, आया था मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, मैग्नेटिक फील्ड अभी जा रही है, जैसे से नीचे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। भाई कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी ना, अभी कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, अभी जैसे से नीचे जाता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, नॉर्थ टू साउथ जाती, नॉर्थ टू साउथ जाती, मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है। ये करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस करते, कैसे? ये देखो, जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, इसमें इसमें जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो बढ़ रही थी, इसने करंट ऐसे फ्लो कराया और अपोज करना शुरू कर दिया, ऐसे कराया और अपोज करना शुरू कर दिया। अब नीचे जब ये मैग्नेट चला गया है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है इसका मतलब अब ये बढ़ाएगा, तो ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा। देखो बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, ठीक है। आई होप ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। लेंज लॉ का था, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लिया, हम लोगों ने लेंज लॉ देख लिया, फाइनल हम देखते हैं मोटर की वर्किंग, ठीक है। देखो बच्चों, सॉरी मोटर नहीं, जनरेटर की वर्किंग, मोटर करवा दिया ना पहले तो, मोटर निकल रहा है मुझसे, जनरेटर की वर्किंग, जनरेटर की वर्किंग करें। देखो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, इसके अंदर हमको क्या बनाना है, इसके अंदर हमको बनानी है एक रिंग, एक रिंग बनानी है और हमने बना दी। ये वाला आके इससे अटैच हुआ, ये वाला किससे अटैच हुआ, ये ब्रश है बी वन, ये ब्रश हो जाएगी बी टू, दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा, मैंने कनेक्ट कर दिया और ये हमारा, एक सेकेंड, डायग्राम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ठीक है, अब इसका काम समझते हैं सर क्या है। ये ब्रश है B1, ये ब्रश है B2, ये ब्रश है B1 B2, ये इसी तरीके से फिक्स रहेगी,
ये ब्रश है B1, ये ब्रश है B2, ब्रश B1 और B2 इसी तरीके से फिक्स रहेगी, इनके बीच में ये रिंग है, इनके बीच में एक रिंग है, ठीक है। मेरे पास ये रिंग है, ये ब्रश किससे कनेक्टेड है, ऐसे ये ब्रश किससे कनेक्टेड है, और ये रिंग है, कॉइल इससे कनेक्टेड है, कॉइल इससे कनेक्टेड है रिंग से, तो इस तरीके से कनेक्ट है कि रिंग का ऊपर वाला पोर्शन इससे कनेक्ट है B1 से, नीचे वाला पोर्शन इससे कनेक्ट है। तो जब ये एक्सल घूमेगा ना, ये कॉइल घूमेगा, तो ये भी घूमेगा, रिंग भी घूमेगी, ये घूमेगा तो रिंग भी घूमेगी, ठीक है। आई होप ज्यादा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैं क्या करता हूं, मैं अपवर्ड मोशन करवाता हूं इस कॉइल का। अगर मैं इसका अपवर्ड मोशन करवाऊंगा, तो करंट कहां इंड्यूस होना चाहिए? सर सिंपल सा लगाएंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड यहां आगे, मोशन हो रहा है कहां? ऊपर की तरफ। मोशन कराना है नीचे की तरफ, लेंज लॉ अपने कॉज को अपोज करेगा, और ये फिंगर पुल, ये करंट की लार्ज, ये आ गया। दूसरे तरीके से देखें, आई एल क्रॉस बी, अंदर की तरफ फोर्स लगने लग गया, मैं लगा रहा हूं ऊपर, करंट इस तरीके से इंड्यूस हो रहा है कि फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। दूसरा और तीसरी चीज, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है सर? ये मैग्नेटिक फील्ड है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड है, थंब बता रहा है डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन अपवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल की डायरेक्शन अपवर्ड, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट अंदर की तरफ, गिला वाली, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद कहानी क्या होगी? अच्छा, ये B1 और B2 क्या है? ब्रशेस, और ये है R1 और ये है R2, ये क्या है? रिंग्स है, ठीक है, ये रिंग्स है। अब देखते हैं, देखो ये A, ये B, ये C और ये D। हाफ रोटेशन के बाद की कहानी देखें, हाफ रोटेशन के बाद की कहानी क्या हो जाती है? ये तो नॉर्थ पोल रहेगा, ये तो साउथ पोल रहेगा, ये कॉइल इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, आता जा रहा है, ठीक है। मैंने रिंग बनाई, ये B1, ये B2, यही कहानी थी। सर्किट थोड़ी चेंज हो जाएगा, सर्किट तो वही रहेगा, ये A, B, C, D, CD किससे कनेक्ट था? CD कनेक्ट था सर इससे, नीचे वाले से। AB कनेक्ट किससे था? R1 रिंग से, R1, R2, ये करंट की डायरेक्शन, अगेन जैसे निकाला था हम लोगों ने पहले, ठीक है। अभी इसके अंदर करंट जा रहा है B2 से B1, जो मुझे दिख भी रहा है, यहां से आएगा इस ब्रश से जाके और यहां जाएगा। ब्रश का काम है करंट को कलेक्ट करना, रिंग का काम है करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देना। तो यहां पे डायरेक्शन होगी B2 से B1। अभी यहां देख लेते हैं क्या सीन होने वाला है। ये आया, ये तो इस रिंग पे अटैच हो गया, यहां से गया, यहां से जाने के बाद इस ब्रश पे गया। डायरेक्शन क्या हो गई सर? B1 टू B2, ये हो गई जनरेटर की वर्किंग। जनरेटर की वर्किंग के अंदर ब्रश करंट को कलेक्ट करता है, और जो रिंग है वो रिंग करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देती है, जैसे कि हमने यहां देखा करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, ठीक है। प्रिंसिपल तो मैं लिखाना ही भूलिए सर, जब पहले लिखाना था वो तो आपने बाद में लिखा है, कुछ नहीं यार, एक ही लाइन है इसके अंदर, क्या है? मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन ऑफ, पूरा लिखने का, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये प्रिंसिपल, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।
तब तक इसको रिवाइज कर लो। ये कॉन्सेप्ट्स था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोगों ने कर ही लिया है। इन केस कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।